हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा आप सभी वेलकम इन के डी क्लासेस तो बेटा जैसा कि हमें पता है कि लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने जो विटामस हैं और विटामिनस की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ेस कौन सी रहती है उनके फूड सोर्सेज क्या रहते हैं कौन से विटामिन का क्या फ़ंक्शन रहता है इन सब के बारे में हमने बात की थी अब देखिए बेटा वो तो सिर्फ थी विटामिनस की बात विटामिन डेफिशेंसी डिजीज़ की बात अब हमारी बॉडी में और भी कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से कई टाइप की डिजीजेज होती हैं तो आज उन सब के बारे में हमें बात करनी है और जो उनसे रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स या ग्रुप ऑफ़ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उसके बारे में हमें बात करनी है देखिए सबसे पहला जो हमारे पास रहता है माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल डिस्डर्स माल न्यूट्रिशन क्या है देखिए मेल न्यूट्रीशन मीन्स डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट न्यूट्रीशन ठीक है डेफिनेशन क्या आती है देखिए ये स्किन माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है क्या कह रहा है सच टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए परसन विच इज कोज बाय द डाइट विच डज नॉट सप्लाई ऑल न्यूट्रिय इन प्रॉपर अमाउंट और ड्यू टू डिसबिलिट डिसबिलिटी ऑफ मेटाबोलिक एब्जॉर्प्शन बाई एनी डिजीज ठीक है क्या है माल न्यूट्रीशन एक फिजिकल कंडीशन है एक ऐसी फिजिकल कंडीशन है पर्सन की जो डिवेलप क्यों हुई वो कॉज हुई न्यूट्रियट्स की सप्लाई के कारण कि न्यूट्रीन जो हैं वो उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे एक पर्सन है उस पर्सन को यदि उसकी डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ना मिले ठीक है प्रॉपर अमाउंट में ना मिले किसके कारण नहीं मिलेंगे या तो उसकी डाइट में वो न्यूट्रिएंट्स होंगे ही नहीं या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दूसरी कंडीशन ऐसी रहेगी कि डाइट में न्यूट्रिएंट्स तो थे लेकिन डिसबिल एबिलिटी ऑफ मेटाबोलिक एब्जॉर्प्शन बाई एनी डिजीज उस पर्सन में कोई डिजीज थी डिजीज के कारण जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं उसका या तो एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर जो पर्सन है उसकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी दो कंडीशन रहेंगी बेटा शुरू से अच्छे से समझिए क्या कहा जा रहा है एक पर्सन की फिजिकल कंडीशन जो डिवेलप हुई या कोज हुई किसके कारण न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होने के कारण ठीक है प्रॉपर सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की नहीं हुई अब प्रॉपर सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की दो कंडीशन में नहीं होगी या तो डाइट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं है या फिर डाइट तो प्रॉपर थी डाइट तो बैलेंस्ड थी डाइट बैलेंस्ड डाइट क्या होती है डेफिनेशन लिखिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी ठीक है ना जो बैलेंस डाइट है वो क्या होती है उसकी डेफिनेशन अभी लिखिए आपने जो अर्लियर क्लासेज है उसमें बैलेंस डाइट की डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आई होप आप सब लोगों को आती होगी ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ इसलिए आप मेरे को बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखिए तो बैलेंस डाइट तो थी लेकिन पर्सन जो है उसकी जीआई ट्रैक्ट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या आप यूं कहिए एलिमेंट्री कैनाल में कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर था जिसके कारण उस न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया तो वो ब्लड तक नहीं पहुंचा और पर्सन की बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई जिसने क्या कोस कर दिया माल न्यूट्रिशन कोस कर दिया तो ये रहता है माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन उसके बाद देखिए अब माल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास फोर टाइप्स का रहता है सबसे फर्स्ट है हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन क्या है देखिए कि व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज इनसफिशिएंट क्वांटिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन इट इज कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो पर्सन है उसकी डाइट में पर्सन की डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्वांटिटी लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक इनसफिशियंट रहेगी जितनी डिमांड पर्सन की बॉडी को है उतनी डिमांड न्यूट्रिएंट्स की उसकी डाइट में नहीं होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अंडर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन में क्या होगा कि वेन फूड इज टेकन इन मच क्वांटिटी फॉर ए लॉन्ग पीरियड देन इट इज़ कॉल्ड ओवर न्यूट्रिशन यदि फूड जो है वो आ, जो अपनी बॉडी है उसकी जो डिमांड है उससे ज़्यादा लिया जाता है रिक्वायरमेंट बॉडी को उतनी नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा यदि इंटेक किया जा रहा है फूड का तो उसे हम क्या कहेंगे ओवर न्यूट्रिशन कहेंगे नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसी डाइट जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो तो ज़्यादा रेशियो में हैं जितने डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा रेशियो में है और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिमांड से कम रेशियो में है ठीक है कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रेशियो में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम रेशियो में इस तरह की डाइट को हम क्या कहेंगे इम्बैलेंसड न्यूट्रिशन कहेंगे ठीक है और एक रहता है स्पेसिफिक डेफिशियंसी स्पेसिफिक डेफिशियंसी में क्या होता है कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो अपने रेशियो में होते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है उसकी डेफिशिएंसी लॉन्ग टाइम तक रहती है व्हेन एनी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी और कंप्लीटली एब्सेंट इन डाइट हेंस द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट बिकम लेस इन बॉडी चार रहा अंडर न्यूट्रिशन बॉडी डिमांड से कम इंटेक हुआ ओवर न्यूट्रिशन बॉडी डिमांड से ज्यादा इंटेक हुआ इम्बेलेंसड न्यूट्रिशन कुछ न्यूट्रिएंट्स जो थे वो ज़्यादा रेशियो में थे कुछ न्यूट्रिएंट्स कम रेशियो में थे और स्पेसिफिक डेफिशिएंसी जिसमें पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट जो है उस वो डाइट में या तो कम्प्लीटली एबसेंट होता है या फिर उसकी जो रेशियो है वो कम रहता है बाकी अदर न्यूट्रियट्स जो हैं वो अपने पर्टिकुलर रेशियो में प्रजेंट रहते हैं उससे स्पेसिफिक डेफिशेंसी कहेंगे ये इस तरह से चार टाइप्स थे हमारे पास माल न्यूट्रिशन के नेक्स्ट देखिए क्या ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड मेंटल डिवेलपमेंट रिटार्डेड। अब यदि किसी चिल्ड्रन को यदि किसी पर्सन को जो माल न्यूट्रिशन है वो होगा तो पर्सन की जो या चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है और उसकी जो मेंटल डिवेलपमेंट है रिटार्डेड मींस रुक जाएगी ठीक है आगे ग्रोथ नहीं होगी अब ग्रोथ तो स्वाभाविक सी बात है बेटा ऑब्वियस है क्यों क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ तो होगी नहीं ना ठीक है तो माल न्यूट्रिशन के कारण चिल्ड्रन की ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है अब हमारे पास जो डब्ल्यू एच ओ है उन्होंने मेनली फाइव जो माल न्यूट्रिशन डिजीज हैं उनको बताया है उसमें एक है क्वाशियोरकर दूसरी है मेरेसमस एक्सोफ्थेलमिया एनीमिया एंड गोइटर ये पांच मेन मैं, जो मैल न्यूट्रिशन डिजीज है ठीक है और भी बहुत सी होती हैं लेकिन मेनली ये फाइव रहती है देखिए हम पांचों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं सबसे पहले रहता है हमारे पास क्वाश्योरकर ठीक है अब क्वाश्योरकर में क्या है देखिए दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू हाई डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन पर्सन की बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिय ज्यादा होगी ज्यादा होगी तो क्वाश्योरकर रहेगा चिल्ड्रन ऑफ वन टू थ्री ईयर्स एज ग्रुप गेट लेस प्रोटीन जो एक से तीन साल के बच्चे होते हैं वो लेस प्रोटीन यदि उनकी डाइट में रहता है कितना वन ग्राम पर किलो बॉडी वेट ठीक है ये डिमांड रहती है बॉडी की चिल्ड्रन की कि उसकी बॉडी वेट का पर बॉडी वेट का वन ग्राम जैसे मान लीजिए एक पर्सन है एक बेबी है उसका ट्वेंटी किलोग्राम वेट है तो उसको ट्वेंटी ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए ठीक है थर्टी है तो थर्टी ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए टेन है तो टेन ग्राम डेली प्रोटीन चाहिए अब यदि उसको इस रेशियो से कम यदि प्रोटीन मिलता है लॉन्ग टाइम तक तो उस वो जो बेबी है वो क्वाश्योरकर डिजीज से सफ़र करने लग जाएगा ठीक है अब इस डिजीज़ के जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या रहते हैं देखिए मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ आर लॉस ऑफ वेट इरिटेबिलिटी एंड एपेटाइट जो पर्सन है उसका वेट जो चिल्ड्रन है उसका वेट कम होने लग जाएगा बेबी जो है वो इरिटेट रहेगा और उसको भूख कम लगेगी स्किन बिकम्स ब्लैक रफ एंड क्रैक्स स्किन जो है बेबी की वो एकदम ब्लैक हो जाएगी काली हो जाएगी रफ हो जाएगी और क्रैक्स उसके ऊपर जो क्रैक्स हैं जो हैं लाइन्स टाइप से वो बन जाएंगी बॉडी जो है उसमें स्वेलिंग होगी और स्टमक जो है वो क्या होगा फूल जाएगा जिसे हम पोट बेली भी कहते हैं ठीक है ना जिसे हम क्या कहते हैं पोर्ट बेली भी कहते हैं ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास मेरेसमस और ड्राई डिजीज़ देखिए मैरेस्मस और ड्राई डिजीज़ क्या है दिस डिज़ीज़ इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ वन ईयर ठीक है जो एक साल से कम ईयर के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम इन्फेंट्स कहते हैं और इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में फैट भी हो सकती है कि यदि डेफिशियंसी लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उसे हम मेरेसमस या ड्राई डिजीज कहते हैं इसके जो सिम्टम्स हैं वो देखिए क्या है लॉस ऑफ वेट कितना लॉस ऑफ वेट होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉस ऑफ वेट अप टू सिक्सटी परसेंट इन चाइल्ड्स एवरेज वेट एट दिस स्टेज चाइल्ड का जो वेट है मान लीजिए उसका टेन के वेट है तो उसमें से उसका सिक्स के वेट लेस हो जाएगा वो फोर फाइव के तक ही रहेगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है मैरसमस में बेबी का जो वेट है या पर्सन का जो वेट है वो सिक्सटी परसेंट तक रेड्यूस हो जाता है लैंग्विड लैंग्विड का मतलब क्या देखिए बेटा यहाँ पे सुस्ती उसकी जो स्किन है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज उसमें बिल्कुल भी जो एक बोलते हैं ना चमक जो है या जो एक फुर्ती जो होती है वो नहीं है बिल्कुल भी स्किन में ठीक है चुस्त स्किन uh, जो है उसकी एकदम ड्राई टाइप से रहेगी लैंग्विड ड्राई एंड रिंकल्ड फेस एंड संकन आइज थिन मसल्स थिन लेग्स एंड आर्म्स रिब्स आर सीन फ्रॉम आउटसाइड जो हाथ पैर हैं वो एकदम पतले हो जाएंगे क्यों क्योंकि मसल थिन हो गई है मसल्स रेड्यूस होने लग गई है मसल से रेड्यूस होने लग गई इसीलिए तो वेट लॉस हुआ है और जो रिब्स हैं पर्सन जो बेबी की रिब्स हैं वो क्लियरली दिखाई देने लग जाती है नो स्वेलिंग इन बॉडी देखिए बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है क्वाश्योरकर में स्वेलिंग होती है पर्सन की बॉडी में जबकि मैरसमस में स्वेलिंग नहीं होती फिर आप देखोगे क्वाश्योरकर जो है उसमें जो पर्सन है उसके हेयर ड्राई होने लग जाते हैं बाल झड़ने लग जाते हैं लेकिन इस डिजीज में मैरेस्मस में हेयर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड ये आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद दीज डिजीजेज में क्योर बाय प्रोवाइडिंग अब आप ये मैरेस्मस और क्वाश्योरकर जो है इनको क्योर कैसे करोगे तो देखिए बेटा क्योर करने का रास्ता ये है कि पर्सन जो है उसको या जो पेशेंट है उसको आप क्या कीजिए प्रोटीन रिच डाइट प्रोटीन रिच डाइट जो है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो अवेलेबल करवाइए अदरवाइज ये जो डिजीजेज रहती हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं लीथल हो सकती है जानलेवा हो सकती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्जोपथेलमिया एग्जोफ्थेलमिया हमने विटामिन के टाइम भी पढ़ा एग्जोफ्थेलमिया में क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती है जिसमें आइज जो है वो ड्राई हो जाती हैं टीयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एनीमिया आपने बहुत अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है कि आयरन की डेफिशिएंसी से जो है वो एनीमिया हो जाता है और पर्सन जो है वो हार्ड वर्क नहीं कर पाता ठीक है उसकी जो सांस है वो जल्दी फूलने लग जाती है ठीक है सांस जल्दी फूलने का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाएगी पर्सन जो है वो हार्ड वर्क नहीं कर पाता गोइटर भी आपने पढ़ रखा है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे गोइटर कहते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है ये तो सारी थी, uh, की, है? जहां न्यूट्रिएंट्स की ओवर न्यूट्रिशन uh, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि द डिजीज कॉज्ड बाय ओवर न्यूट्रिशन आर नॉर्मल इन डिवेलप्ड कंट्रीज ओवर न्यूट्रिशन की जो डिजीज है वो नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज में रहेंगी यूरोप अमेरिका जैसी कंट्रीज में रहेंगी और ओवर न्यूट्रिशन की जो एग्जाम्पल है वो है ओबेसिटी ठीक है ओबेसिटी किसे कहेंगे ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या है देखिए व्हेन ए पर्सन हैज ट्वेंटी परसेंट एक्सेस वेट देन यूजुअल पर्सन एक नॉर्मल पर्सन का वेट है मान लीजिए उससे भी यदि ट्वेंटी ज्यादा वेट है तो उसे हम क्या कहते हैं ओबेसिटी कहते हैं अब ओबेसिटी में क्या होगा कि पर्सन जो है वो एनर्जी का इंटेक ज्यादा करता है बॉडी रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन ठीक है पर्सन जो है उसकी बॉडी को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है लेकिन वो क्या कर रहा है एनर्जी को ज्यादा इंटेक कर रहा है तो वो जो है ओबेसिटी को कॉज करता है हमने अर्लियर क्लासेज में पढ़ रखा है एक बी होता है बॉडी मास इंडेक्स जो पर्सन की हाइट ठीक है जो पर्सन की हाइट और वेट uh, से जो रेशियो से निकाला जाता है ठीक है ना बी एम आई किस से निकाला जाता है एरिया ऑफ हाइट एरिया ऑफ हाइट एंड वेट से निकाला जाता है और बी एम आई की वैल्यू यदि ट्वेंटी फाइव के जी पर मीटर स्क्वायर ठीक है ट्वेंटी फाइव के जी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है तो उसे भी हम ओबेसिटी कहते हैं ये ये डेफिनेशन बी एम आई के अकॉर्डिंग है ठीक है बी के अकॉर्डिंग ओबेज क्या होगा यदि किसी पर्सन की बी वैल्यू 25 फाइव पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो ओबेज है दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि यदि किसी पर्सन का जो वेट है वो यूजुअल पर्सन से 20 परसेंट ज़्यादा है तो उसे हम ओबेसिटी कहेंगे और ओबेसिटी की कंडीशन में जो पर्सन है उसको हार्ट रिलेटेड डिजीजेज़ या ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीज या डायबिटीज़ ये डिजीजेज़ होने के चांसेस ओबेज पर्सन में ज्यादा रहते हैं ये था बेटा हमारा जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है वो यहाँ आज का ये जो लेक्चर है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की जो यूनिट है या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है वो लास्ट है यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमने यूनिट स्टार्ट की थी उसी का कोई नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का आप कौन सा चैप्टर जो है वो पढ़ना पसंद करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा तब तक के लिए गुड बाय एंड जो वीडियो है उसको एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू